Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing good and great. So let's start today's video. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्लीज प्रेस कर देना. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे प्रोडक्ट्स की, मेकअप प्रोडक्ट्स की, जो कि मुझे लगता है हर फीमेल के पास होना चाहिए. अगर आप लोग कॉलेज जाते हो तभी भी आपके पास होना चाहिए, अगर आप लोग वर्किंग हो तभी भी आपके पास होना चाहिए, या जब कभी भी हम शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या कोई ऑफिस की ही पार्टी है और हमें बहुत ही ज्यादा लाइट मेकअप करना है तब भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा काम आते हैं. मैं भी कोई बहुत भारी भरकम मेकअप मैं नहीं करती हूँ, मेरे पास भी जो प्रोडक्ट्स वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है. इवन जब भी मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना तो दिस इज माय रॉ फेस, मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा है. बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो कि होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं या हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं तो आई थिंक यू शुड लुक गुड एंड यू शुड लुक एनर्जेटिक. तो चलो डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से पांच प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट, वो है ये काजल. आप किसी भी अच्छे से ब्रांड के काजल में इन्वेस्ट कर सकते हो. बहुत सारे मार्केट में अच्छे ब्रांड हैं काजल के, और काजल का जो प्राइस होता है वो भी यूजली कम ही होता है. तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का काजल खरीद लो, बट मेक श्योर करना वो जो काजल हो वो स्मच प्रूफ हो और वाटर प्रूफ काजल होना चाहिए, और उसका कलर पे आउट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए. मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लैक्मे का ले सकते हो या मेबिलीन का भी ले सकते हो, इनका जो प्राइस है वो रीजनेबल है. काजल लगाने से क्या होता है ना, आईज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्लीफाई हो जाती हैं, हमारा जो फेस है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है एंड ऐसा लगता है कि वी आर रेडी टू किल. अगर हम काजल नहीं लगाते ना तो ऐसा लगता है कि लाइफ में पता नहीं किस चीज का कोई गम चल रहा है. तो हमें अपना गम नहीं दिखाना, हमें दिखाना है कि हम कितने खुश हैं अपनी लाइफ में, और ये हमारे कॉन्फिडेंट को भी बहुत ही अच्छे से इन्हांस करता है. इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रही हूं, आप लोग अपनी पसंद का कोई भी अच्छे से काजल में इन्वेस्ट कर सकते हो. और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है किसी भी अच्छे ब्रांड की न्यूड शेड लिपस्टिक. मेक श्योर करना जिस भी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जो लिपस्टिक हो वो क्रीमी हो, बहुत ज्यादा ड्राई टेक्सचर की ना हो. एक जो ब्रांड जिसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो है फेसेस कैनेडा, उसकी जो लिपस्टिक होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है. मेरे पास ऑलमोस्ट हर ब्रांड की न्यूड शेड की लिपस्टिक है, चाहे मैक हो, मेबिलीन हो या कीको मिलानो हो, बट जो लिपस्टिक हो वो क्रीमी हो. और जो न्यू शेड की लिपस्टिक्स होती है ना उनकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि अगर हम शादी में जा रहे हैं तो भी वो लगाई हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो भी न्यू शेड की लिपस्टिक्स लगाई हुई काफी ज्यादा अच्छी लगती है. ये है मेबिलीन की न्यू शेड की लिपस्टिक, और न्यू शेड की लिपस्टिक किसी भी स्किन टोन पे लगाई हुई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. और न्यू शेड की लिपस्टिक लगाने से क्या होता है, हमारा जो मेकअप होता है वो ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्जैगरेट होकर आ रहा है. अगर आप लोगों को मेकअप नहीं आता अच्छे से करना तो आप एक अच्छी सी न्यू शेड की लिपस्टिक ले लो और उससे किसी भी फंक्शन में या शादी में लगा के चले जाना. और ज्यादा अगर लिप्स को एनहांस करना है तो अच्छे से किसी लिप ग्लॉस में भी इन्वेस्ट कर दो, और बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों का लुक लगेगा. तो ये है मेरी सेकंड रिकमेंडेशन. क्या आप लोगों को भी फाउंडेशन लगाना नहीं आता, तो फिक्र मत करो, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फाउंडेशन का बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्सिट्यूट. आप लोग मेरी कोई भी मेकअप वीडियो भी देखोगे ना उसमें भी आप कभी नोटिस करना कि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, बिकॉज मैं इस्तेमाल करती हूँ ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम. मुझे यही क्रीम बहुत ज्यादा पसंद है. मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं उसे ये बीबी क्रीम कवर नहीं कर पाती है, बट ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लुक दे देती है. इट जस्ट लाइक अ फाउंडेशन. और इसकी सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसमें कोई शेड वगैरह चूज करने का भी कोई झंझट नहीं है कि अपने शेड के अकॉर्डिंगली खरीदो और फिर वो शेड मैच ना करे तो उसको बदलने जाओ. ये सिर्फ एक ही शेड में आती है और वो शेड मेरी जो स्किन का कलर है उससे सूट कर जाता है. और मुझे फाउंडेशन लगाना इसीलिए भी नहीं पसंद क्योंकि मुझे कोई जोश नहीं है कि मैं अननेसेसरी की मैं गोरी लगूं या मेरे ये जो फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं ये छुप जाए. मुझे कुछ भी नहीं छुपाना, आई एम हैप्पी विद द स्किन आई हैव. तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लोगों को बहुत ही एक नेचुरल लुक देना है, क्योंकि ये बीबी क्रीम लगा के ना बहुत ज्यादा नेचुरल और बहुत अच्छा लुक आता है, इस वजह से मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी एक मेकअप प्रोडक्ट
जो कि होना चाहिए. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज दिस बीबी क्रीम जो कि सबके पास होनी चाहिए. मेरे पास ये फेयर एंड लवली की है बट मार्केट में अब काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि आ गए हैं बीबी क्रीम लेके. बट उन ब्रांड्स में क्या होता है कि उनका ना शेड सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि अपने शेड के साथ मैच करें. बट फेयर एंड लवली के साथ ऐसा नहीं है. फेयर एंड लवली का सिर्फ एक ही ये शेड आता है और ये मुझे तो बहुत ही अच्छे से सूट कर जाता है. तो चलो अब मूव करते हैं फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ. और जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन. सही सुना आपने, सनस्क्रीन सबको लगानी चाहिए. इसलिए नहीं कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारा जो रंग है वो काला नहीं होगा, ये नहीं होता. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. सन की जो रेज होती हैं वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं. हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे स्किन पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं. इस वजह से हमें एक अच्छी सी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए. आप किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन ले सकते हो बट चेक कर लेना कि उसका जो SPF है वो हो 50+++. 50 से कम की SPF में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. एंड अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी सनस्क्रीन देयर. आप लोगों को अपनी पसंद की जो भी सनस्क्रीन लेनी है आप लोग ले सकते हो. मेरे पास ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करी थी इसलिए मैं ये वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ. और अब बात करते हैं फिफ्थ मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट की. और जो फिफ्थ प्रोडक्ट है वो एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है. एंड द प्रोडक्ट इज दिस लिप आईलिड एंड चीक टेंट. आई थिंक ये सबके पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. अगर आप लोगों का लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है तो बस इसको लो एंड सी, अपने लिप्स पे लगा लो. तो सी, इसको मैंने लिप्स पे लगा लिया. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय आईलिड्स. मूवमेंट सी, मतलब कभी कभी बार ये होता है ना कि हम कुछ बहुत ही अच्छे से बन के जाएं ऑफिस में और हम ऑफिस में जाएं जब कोई सेलिब्रेशन नहीं है और हम अच्छे लगे. एक वो होता है ना, यू व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड. सी, एज अ आई शेडो भी इसे मैंने लगा लिया. और ये जो लग रहा है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं लग रही कि मैंने कुछ पता नहीं बहुत ज्यादा भयंकर सा आई मेकअप कर रखा है. सी, एकदम सिंपल सा और सटल सा लग रहा है, बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है. इवन मैं तो ये लगा के ऑलमोस्ट रोज ही जाती हूं ऑफिस. सी, पास आके दिखाती हूं और अब लगा लेती हूं मैं इसे अपने चीक्स पे लिटिल लिटिल. एंड आई एम डन. सी, मेरे पास जो लिप आईलिड और चीक टिंट है वो है लव अर्थ का. और ये जो कलर है ये है किस एंड टेल. अगेन ये न्यू शेड है और ये जो डिब्बी है ना ये बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है. हम इसे अपने बस बैग में डाल दें एंड वी आर डन. कहीं पे भी मेकअप करना है तो हम इस प्रोडक्ट की हेल्प से मेकअप कर सकते हैं. अगेन मैं बोलूंगी, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ. इस प्रोडक्ट को मैंने पैसे दे के बाय किया है. और ये है 5 ऐसे मेकअप प्रोडक्ट विच एवरी लेडी मस्ट हैव. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना. और मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.